आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब एक क्लिक में आप अपने वीडियो का जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से वीडियो को बैकग्राउंड का चेंज करना है तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन के अपने काइन मास्टर में जाना होगा। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हम आपको काइन मास्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपको काइन मास्टर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख जाते हैं, मीडिया ब्राउजर, लेयर, ऑडियो, वॉइस। तो आपको करना क्या होगा, मीडिया ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और क्लिक करने के बाद जिस बैकग्राउंड पर आपको चेंज करना है, जो अपने वीडियो में बैकग्राउंड लगाना है, वो आप अपने गैलरी से ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी हमारे गैलरी में कुछ बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं, वहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से अपने जो ये बैकग्राउंड का है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेना, बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं इतना कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो शूट करना है। मतलब ग्रीन स्क्रीन का मतलब पीछे जो पर्दा है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका बैकग्राउंड मतलब बदलेगा। ठीक है, ग्रीन हो या येलो हो, दोनों से एक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखाते हैं। सबसे पहले जाते हैं लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो डाल रखा है, तो इसे चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो सेट कर दिया है, और यहाँ से इसे इस तरीके से सेट कर लिया है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वीडियो पर, आपको यहाँ पर राइट साइड में ये कैंची के ऑप्शन को दिखेंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन क्रोमा की का दिख जाता है। ठीक है, तो आपको क्रोमा, ये आपको दिखा देते हैं आसानी से तरीके से, ये क्रोमा की का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक देख सकते हैं इनेबल है कुछ, तो हम इस पर इसे डिसेबल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं जब डिसेबल करता हूँ तो देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, आप यहाँ से वीडियो की जो वो इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं घटा बढ़ा के। तो ऐसे देख सकते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं तो हमारा जो फेस है, जो चित्र है, वो यहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ से अपने इस पेड को काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चेक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। आपको देख सकते हैं, मैं अभी एक वीडियो अपना प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, जो हमारे वीडियो का बैकग्राउंड है वो आसानी से तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आपको इसी तरीके से वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो एक बार और प्ले करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी आसानी से चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले वीडियो में।